नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टर टिक जी के, मैं इसको फाइल को एक बार जरा लगा लेता हूं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाइए, स्टार्ट करना है अपना सेशन स्टैटिक जीके का। तो आप सभी मेरे साथ आ जाइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन फिर। ठीक है, तो जल्दी आप मेरे साथ जुड़ जाइए, लाइव हो जाइए। कल मेरी तबीयत थोड़ा खराब थी, इस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए। तो स्टार्ट करें अपना सेशन, जल्दी से बताइए स्टार्ट करें। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए। क्वेश्चन ये है, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ठीक है बताइए, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे व्यक्तिगत वाहनों हेतु किस रंग की नंबर प्लेट निर्धारित की है जिस पर सफेद रंग से अक्षर अंकित होंगे। तो कौन सा किस कलर की नंबर प्लेट है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिजर्व की गई है। तो भारत में जो नंबर प्लेट की शुरुआत हुई है, आपको मैं बता दूं, भारत में 1902 से वाहनों पर नंबर प्लेट की शुरुआत हो गई थी। अब इसमें एक आपसे आ सकता है क्वेश्चन, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कब से हो रही है? तो आप इसका आंसर देंगे 1 जनवरी 2022 से। ये क्या है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, प्लेट शुरू की गई है। ठीक है, 2022 में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट शुरू की गई है। तो इसको भी ध्यान रखिए, 2022 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट शुरू की गई है। अब मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि कुल भारत में 7 प्रकार की नंबर प्लेट वाहनों पर लगती है। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहनों पर भाई लग रही है आपकी ग्रीन नंबर प्लेट, ग्रीन कलर की, और जो येलो कलर की है, येलो कलर है वो लग रही है कॉमर्शियल वाहनों पर, कॉमर्शियल व्हीकल, व्हीकल पर। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारी हरी प्लेट। अब हरी ही क्यों लगा रहे हैं, हरी इसलिए लगा रहे हैं कि वो पर्यावरण के रंग को सूचित करती है, ग्रीनरी को सूचित करती है इसलिए। ठीक है, तो ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है, करना है इसको ब्लू प्लेनेट से पृथ्वी को, तो इसलिए इसमें ग्रीन कलर की इस्तेमाल की जा रही है। और किसमें की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया या अफ्रीका? ठीक है, तो इसमें साउथ अमेरिका में है 12 देश, नॉर्थ अमेरिका में 23 देश, यूरोप में है आपके
43 देश। अब बताइए एशिया में या अफ्रीका में किस में ज्यादा है, इसका तो आप ही बता दीजिए मुझे। इसमें है आपके 54 देश, क्या इसमें ज्यादा होंगे? नहीं जी, इसमें आपके 47 देश। तो आपके जो विश्व में है करीब करीब विश्व में 240 देश हैं, लेकिन यूएनओ ने 195 यूएनओ के सदस्य हैं, ठीक है। 240 में से यूएनओ के हैं सदस्य 195 देश। तो टोटल इसमें पूछा गया था किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है, तो आप बता देंगे जी ये है अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक। सही क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं इसमें। एक दिवसीय मैचों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान थी डायना एड्रोजी, शांता रंगा स्वामी, शुभांगी कुलकर्णी या चंद्रकांता कौल, कौन है? तो 1973 में बनाया गया पहला कप्तान इसको शांता रंगा स्वामी जी को, भाई जा 1975 में इनका वर्ल्ड कप, ठीक है। तो क्या उनसे बनी? शांता रंगा स्वामी। एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइए, करणी माता मंदिर इसे चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में? बताइए कहां पर है करणी माता मंदिर। इस मंदिर में हजारों हजारों चूहे हैं और वो मंदिर में ही घूमते रहते हैं, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच ही घूमते रहते हैं, बीच घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये मंदिर कहां पर है? ये आपके राजस्थान के बीकानेर में है, ठीक है। तो भाई आपके राजस्थान के बीकानेर में मंदिर हो जाएगा। किस किस का आंसर सही है? बिहार में नहीं जी, ठीक है, ये आपके राजस्थान के, बिहार तो ऑप्शन में था इसमें, ये बिहार के राजस्थान में स्थित है बीकानेर। एंड नीतीश बिहार नहीं भाई, इसका बिहार तो ऑप्शन में है, राजस्थान के बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु आधार वर्ष 2011 से 12 को बदलकर करने का सरकार का इरादा है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। और क्या है यह राष्ट्रीय आय? ये है एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित अंतिम सेवाओं और उत्पादों का अंतिम मूल्य, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा इसका? अब ये किया गया है 2017-18, ये है आपका नया आधार वर्ष, ठीक है, 2017-18 नया आधार वर्ष इसमें हो जाएगा, ठीक है। नो आइडिया सर, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है, तो आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, लगाइए थोड़ा ध्यान। राहुल द्रविड़ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं? आईसीसी का एक हॉल ऑफ फेम है, उसकी दीवारों पर ये लगाए जाते हैं विश्व के जो महानतम क्रिकेटर हैं उनके
में लगे हुए हैं, आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम है उसका जो मुख्यालय है उसमें लगे हुए हैं ये उनके फोटो। तो भारत के इसमें से ठीक है कितने खिलाड़ियों के लगे हैं और राहुल द्रविड वो कौन से हैं? तो इसमें भाई हॉल ऑफ फेम में, हॉल ऑफ फेम में भारत के 6 खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब 6 खिलाड़ियों में क्रम कैसे हैं? जो पहले हैं, पहले हैं बिशन सिंह बेदी, ये हैं बॉलर भारत के। दूसरे नंबर के हैं कपिल देव, ऑल राउंडर हैं ये। थर्ड पर्सन कौन है? गावस्कर। गावस्कर है एक बैट्समैन, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर कौन है? फोर्थ पर जाएंगे आप कुंबले, आपको पता ही होगा ये क्या है, ये एक बॉलर है। फिफ्थ नंबर पर आपके आ जाएंगे राहुल द्रविड, ये आपको पता होंगे वॉल ऑफ इंडिया है, दीवार है भारत की, ठीक है। ये बैट्समैन है। और आपके भाई सिक्स नंबर पर आपके सचिन तेंदुलकर आ जाएंगे, ये आपके बैट्समैन, ठीक है। तो इसमें जो पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये है कि आपको हॉल ऑफ फेम का पता होना चाहिए, कुल भारत के कितने खिलाड़ी ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये तो पूछ लिया, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया। देखिए बिशन सिंह बेदी उतने बड़े जाने पहचाने नाम नहीं है जितने बड़े कपिल देव, गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, या महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जितने बड़े नाम हैं। या इन नामों में आप देखेंगे तो कुछ तो आप में से ऐसे छात्र होंगे जिन्हें ये लग रहा होगा बिशन सिंह बेदी मतलब ये कौन है, और इनके तो सबके नाम आपने लगातार सुनी रखे हैं, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं। तो के नोट पर छपे रानी की बावड़ी चित्र को यूनेस्को ने किस वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया? तो भाई इसमें वर्ल्ड हेरिटेज सूची यूनेस्को ने कब से शुरू की? यूनेस्को ने 1983 से आज तक भारत के 40 स्थल हैं। 1983 में 4 स्थल लिए उसने, 4 स्थल कौन कौन से थे 1983 में जो उसने लिए थे? 4 थे उसमें, एलोरा की गुफा है, ठीक है, एलोरा, अजंता एक हो गया, 2 हो गया, 3 पर ताजमहल भाई, 4 पर इन्होंने लिया आगरा का लाल किला। ठीक है, और कुल भारत के 40 स्थल हैं। क्वेश्चन आया है कि भाई ये कब लिया है रानी की बाव, तो ये लिया था भाई 2014 में रानी की। थोड़ा डीप क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन नहीं है, सबके लिस्ट पता होनी चाहिए, इसका आंसर आप जब ही दे पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम कर देंगे की, ठीक है। तो आंसर हो गया इसमें की, अजंता एलोरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, भारत सरकार के द्वारा तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और हैं कि टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, किसे बनाया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि टीवी को पूर्ण रूप से खत्म करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं इसमें,
2025 तक अर्चना जी कह रही हैं 2025 तक, शानदार उत्तर आपका, इसको 2025 तक, ठीक है, भारत सरकार ने टीवी को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है भाई। और टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है बता सकता है कोई? ये बनाया गया है दीपा मलिक को। ये कौन है? ये है पैरा एथलीट भाइयों। टीवी को पूर्ण रूप से खत्म करने वाला राज्य है लक्षद्वीप। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि हाँ वाकई में कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, ठीक है। दीपा मलिक, अर्चना यादव जी आपका आंसर सही है, पैरा एथलीट है ये दीपा मलिक, और लक्षद्वीप भी एक अच्छा इसमें ऑप्शन है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। हाल ही में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा, अच्छा मनाया जाएगा गया या जाएगा, विश्व में पहली बार यह कब मनाया गया था? तो भाई ये मनाया गया था सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, पहली बार सैन फ्रांसिस्को ने 22 अप्रैल को मनाया गया, बताओ 1970 में या 75 में? 70 में होना चाहिए, 1970 में ये मनाया गया, ठीक है। और कहां पर? में क्यों तो मनाया जाता है पृथ्वी दिवस की, पृथ्वी को कम से कम नुकसान हो, जो जीवाश्म ईंधन है, ईंधन का उपयोग कम से कम करें, ठीक है, पृथ्वी को बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कटहल को राज्य का आधिकारिक फल घोषित किया है? बताइए कौन सी सरकार है जिसने कटहल को राज्य सरकार अपना आधिकारिक घोषित किया है, बताइए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो दो राज्य हैं, दो राज्यों का है, दो राज्य कौन से हैं भाई? एक इसमें आपका तमिलनाडु है और दूसरा आपका केरल है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु वो केरल, और एक अगर इसमें तमिलनाडु होता तो हम कह सकते थे उपयुक्त में से एक से अधिक, अगर इसमें तमिलनाडु भी इसमें होता तो इसका केरला होगा, ईशान शंकर जी, ठीक है, आंसर सही है, केरल है, और एक इसमें तमिल भी इसमें तमिलनाडु भी, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नील उत्पादक किसानों को जबरन नील की खेती करने पर मजबूर कर रहे थे, जबकि किसान अपनी बढ़िया उपज जमीन पर निम्नलिखित में से किसकी खेती करना चाहते थे? क्या वो गेहूं की चाहते थे, कपास की चाहते थे, चावल की, या मिर्च की, किसकी खेती करना चाहते थे नील उत्पादक उसमें? तो आप जानते हैं नील उत्पादकों से नील दर्पण है, ठीक है, आनंद मठ है, ठीक है,
आपका चंपारण सत्याग्रह है, इनका सबका नील किसानों की समस्या है। अब ये जितने नील दर्पण आनंद चंपारण है किस राज्य से संबंधित हैं? ठीक है, वो संबंधित है भाई आपके किससे? आपका बंगाल की समस्या है ये, आपकी बिहार की समस्या है। अब इन राज्यों की जो मुख्य फसल है वो क्या है? वो है आपकी भाई चावल। तो ये क्या पैदा करेंगे? ये आपके चावल करेंगे। अब कुछ छात्र इस कान से कपास दे रहे होंगे, कुछ मिर्च दे रहे होंगे, तो बिल्कुल भी लॉजिक अगर आपको नहीं पता है, पढ़ने में सामान्यतः क्वेश्चन कहीं नहीं आया होगा, ये आपके डिपेंड करता है आप सोच कहां तक पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ कहां तक पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि समस्या कहां थी नील की? बंगाल और बिहार में, और वहां उत्पादन किसका है? खाद्य, मुख्य खाद्यान्न फसल भी चावल ही है वहां, तो वहीं पर चावल हो रहा उससे है। कपास आप गुजरात में जाएंगे तो इनका तो दोनों का मतलब है नहीं, तो आप इसे लगाइए या इसे लगाइए, सही उत्तर इसका चावल है। आगे चलते हैं। 24 नवंबर 2019 को दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, तो क्वेश्चन आता है भाई खिलाफत है क्या? ठीक है, तो खिलाफत प्रथम इस युद्ध में जो तुर्की में खलीफा था, खलीफा का पद हो गया समाप्त, तो उसे पुनर्स्थापित कराना था, तो यहां पर गांधी जी और दो व्यक्ति और उनके साथ शौकत अली और मोहम्मद अली, लेकिन इन तीन के अलावा भी इसमें आपके हैं मौलाना आजाद, ठीक है, और मोहसिन, अफजल खान, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? खिलाफत कमेटी बनाते हैं। और भाई ये खिलाफत कमेटी 1919 से 1921 तक, ये स्वर्ण काल है इसका, हिंदू मुस्लिम एकता का। ठीक है, तो इसमें अध्यक्ष बना देते हैं वो गांधी जी को, कहां? दिल्ली में, दिल्ली अध्यक्ष। आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। गांधी जी से इसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये स्वर्ण काल होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, महात्मा गांधी। किसने ई कहा है इसका आंसर? ई नहीं है भाई इसका आंसर, महात्मा गांधी जी होंगे इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। वर्षाट सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, और वर्षाट सत्याग्रह था क्या? क्या कोई मुझे बता सकता है कि वर्षाट सत्याग्रह था क्या? बताइए जल्दी से, अगर कोई बता सकता है तो वर्षाट सत्याग्रह था क्या? पता है किसी को? बताओ जल्दी से। नहीं पता तो हम बता देते हैं। ये लिख रहा है 1923 में गुजरात वरसाड में डकैती बहुत ज्यादा होती थी, तो क्या किया सरकार ने? डकैतों से बचाव के लिए जनता पर एक पुलिस टैक्स के नाम से कैती टैक्स लगा दिया, पुलिस के लिए, पुलिस की पैसे के लिए डकैती टैक्स लगा दिया। अब इसका विरोध किया किसने? वल्लभ भाई पटेल ने, तो इसको कहा गया बरसाट। सीधा सा क्वेश्चन है, आपका आंसर है
ईशान शंकर चतुर्वेदी, आपने आंसर सही दिया है। तो ये था डकैतों से बचने के लिए जो पुलिस व्यवस्था होगी, ठीक है। तो डकैतों से बचने के लिए पुलिस व्यवस्था के लिए जो पैसा इकट्ठा होगा वो किया जाएगा यहां से इकट्ठा। इसका विरोध किया वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको हम सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा इसका वल्लभ भाई पटेल, बी आंसर, ठीक है। ईशान आपका आंसर सही है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन किन उच्च न्यायालयों में खंडपीठ की संख्या तीन तीन है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए कौन कौन से हैं जिनकी संख्या तीन तीन है। आइजोल, ईटानगर, कोहिमा। इलाहाबाद की हो गई लखनऊ, भाई इसमें जो होगा आपका आंसर हो जाएगा इसमें मुंबई और गुवाहाटी। मुंबई की खंडपीठें हैं वो हो जाएगी आपके नागपुर, एक पंड जी में है और एक उनकी पुणे में। ये जो आंसर, ये जो है गुवाहाटी की आपके सामने मैंने बताई थी, गुवाहाटी की तीन है ये, ठीक है। आंसर हो गया आपका मुंबई और गुवाहाटी। हाई कोर्ट की जो है उसकी तीन तीन बेंच है, जबकि लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की केवल लखनऊ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किसे वरिष्ठता को छोड़ते हुए प्रथम बार मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, निम्नलिखित में से किसे वरिष्ठता को छोड़ते हुए प्रथम बार, अच्छा इनमें से एक व्यक्ति भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं लेकिन उन्होंने वरिष्ठता को छोड़ दिया, ओवरलैप करके बने हैं। तो इनके बारे में कुछ विशेषताएं भी हैं, भाई वी चंद्रचूड जो है ये पीजीआई रहे सबसे लंबे समय तक, ठीक है। पीएन भगवती को जनहित याचिकाओं का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें ग्रोवर है, एक हेगड़े है, ठीक है, और एक आपके ग्रोवर हो गए, हेगड़े हो गए और मणिलाल हो गए, ठीक है। ए एन रे 1973 में तो इंदिरा गांधी सरकार है, उन्होंने तीन व्यक्तियों को छोड़कर ए एन रे को सी ए आई बनाया। अब वो तीन कौन थे, एक आपके मणिलाल, जस्टिस मणिलाल, ठीक है, नंबर दो जस्टिस हैं आपके ग्रोवर, नंबर तीन है जस्टिस आपके हेगड़े। इनको छोड़कर उन्होंने बना दिया ए एन रे को। तो इसमें तो भाई आपका क्या आंसर आ रहा, के एन सिंह, नहीं, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो जो बने थे ओवरलैप करके जो बनाए गए थे, वो बनाए गए थे आपके, कौन बनाए गए थे, ए एन रे। एन रे ओवरलैप करके पहली बार सीजेआई बने भाई, तो ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन बताइए,
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विधान परिषद गठन करने की बात की जा रही है? कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद गठन करने की बात की जा रही है? बताइए, बताओ जल्दी से। तो विधान परिषद कितने राज्यों में है? ये है भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, एक है यूपी, एक है आपका बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 5 पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्रा, और 6 पे हो जाएगा तेलंगाना। और एक इसमें जो बात चल रही है वो है भाई आपकी ओडिशा की। अब ये बात जो चल रही है ये चलती कैसे है या बनती कैसे है, बता आपको किसी राज्य में विधान परिषद बनती कैसे है? ठीक है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बनती कैसे है विधान परिषद? तो विधान परिषद का जो निर्माण होता है वो होता है कि राज्य की विधानसभा है जब वो 2/3 बहुमत से अपने राज्य में विधान परिषद निर्माण के लिए प्रस्ताव पास कर वो केंद्र के पास भेज देती है, तो केंद्र फिर उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर देता है। अगर किसी राज्य को विधान परिषद अपने राज्य से खत्म करनी है, ठीक है, तो उसे क्या होगा, उसे इसी तरीके का प्रस्ताव, मान लीजिए उत्तर प्रदेश अपने राज्य से विधान परिषद खत्म करना चाहता है, तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, एमएलए कितने विधानसभा में है, एमएलए 403, इसका 2/3 कितना होगा, 66%, यानी कि 313 या 39 और 312 164, मतलब 268 क्या 269। अब 269 जो एमएलए हैं अगर वो प्रस्ताव पास कर देते हैं कि हमें अपने राज्य की विधान परिषद खत्म करनी है और वो केंद्र को भेज देते हैं, तो केंद्र फिर उसकी स्तुति कर देगा, केंद्र उसको अटकाएगा नहीं, केंद्र कर देगा भी राज्य की विधान परिषद ने भेजा है, विधानसभा ने भेजा है। ऐसा ही एक उदाहरण है आपके सामने, ठीक है, हाँ 273 अप्रोक्स बैठेगा। ऐसा ही आपके सामने एग्जाम्पल है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में पहले विधान परिषद थी, उन्होंने प्रस्ताव पास करके वो खत्म करा ली। क्या ले लेता जब वहां जयललिता की डेथ हो चुकी है, जब जयललिता वहां पर मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने फिर एक प्रस्ताव पास कराया था कि भाई हम जो है दोबारा से विधान परिषद यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन फिर उसी बीच में बीमार हो गई, उनकी फिर डेथ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा उड़ीसा ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया है कि वहां दोबारा से विधान वो चाहते हैं कि परिषद बन जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है, इसी तरह प्रधानमंत्री के पद के रिक्त होने की स्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन निम्नलिखित में से करेगा, राज्यसभा का सभापति, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष। तो आप सभी जानते हैं अगर प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है, अब रिक्त होने के कई कारण हो सकते हैं, कई तरीके से हो सकता है, अगर वो अपना बहुमत खो चुके हैं, ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, उन्हें बर्खास्त कर देगा अगर उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। अगर बहुमत नहीं खोया है और उनका पद रिक्त हो गया, उस वो 2-3 तरीके से हो सकता है, या तो प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, तो उस समय क्या होगा, फिर तो टोटली कैबिनेट जो है वो खत्म हो जाएगी, दोबारा से फिर पार्टी जो है बहुमत में जो पार्टी है वो अपना नया नेता चुनेगी, वो जितने विधायक जो है वो विधायक एमपी जो सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोअर हाउस वो अपना नया नेता चुनेंगे, एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है प्रधानमंत्री बीमार हो जाए या लंबे समय तक वो अस्वस्थ हो या लंबे समय तक देश से बाहर रहे, तो उस समय प्रधानमंत्री पद के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, क्वेश्चन है ये। अब देखिए उप प्रधानमंत्री की भारतीय संविधान में व्यवस्था है नहीं, अब जैसे एट ए प्रेजेंट अभी ये उप प्रधानमंत्री तो कोई है नहीं, 2004 और 2005 के बाद कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना, करीब 20 साल होने को आई है, लाल कृष्ण अडवाणी लास्ट उप प्रधानमंत्री थे, उसके बाद कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो फिर क्या होगा, अगर प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है
और ये पद है नहीं तो कौन बनेगा? तो उस समय बनेगा कैबिनेट का सबसे वरिष्ठतम जो व्यक्ति होगा वो, ठीक है। तो पीएम पद रिक्त होने पर कैबिनेट का वरिष्ठतम मंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा, ठीक है भाई। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आंसर कर दीजिए आप इसमें ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं कि जो और संशोधन है वो किससे संबंधित है। तो 44वां किससे है भाई? 1978 ये संपत्ति को निकाला गया है मूल अधिकार से बाहर, संपत्ति को मूल अधिकार से बाहर किया गया, ठीक है। 55वां संविधान संशोधन 1986-1987 में जो है, हाँ, तो ये होगा अरुणाचल, अरुणाचल भारत का राज्य यानी कि हिस्सा बना, ये तो महत्वपूर्ण है ही। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम सहराज्य और 36वें के द्वारा पूर्ण राज्य बना, पूर्ण राज्य बना कौन? सिक्किम, सिक्किम बना। और भाई ये ही बचा आपका, तो इसके तहत क्या हुआ? 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक के लिए क्या किया? लोकसभा की सदस्य संख्या निश्चित कर दी गई, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये वाला। अगर आपको आंसर भी नहीं पता तो आप ये तो कर सकते हैं कि क्या नहीं हो सकता, इसमें से नहीं हो सकता, ये तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया इसमें से भाई, ये नहीं हो सकता और का मुझे पता, अगर ये नहीं पता तो मुझे ये तीन तो पता ही है, तो आंसर यही होगा। फिर अगला बताइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की अवधि आर्टिकल 54 में सही है, राज्यपाल का शपथ 64 में, कृषि तथा पशुपालन में सुधार अनुच्छेद 48 राज्य का निर्देशक तत्व में हो गया, ठीक है। और मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद, उच्चतम न्यायालय तो आर्टिकल 32 में है, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो की है वो आर्टिकल 32 है, जो हाई कोर्ट में है वो 226 है। या तो यहां पर करना है तो यहां करो आर्टिकल 32, और अगर इधर करना है तो इधर हो जाएगा आपका हाई, ठीक है। आपके जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का वादा करते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, उनके आप संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 है, इसके तहत आप अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 226 के तहत किसी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। दोनों ही आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का वादा करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका आपका डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 100 से कम घनत्व वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अच्छा, तो भारत का कितना जनघनत्व है? भारत का जनघनत्व है 382 है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 382 है या ज्यादा है? भारत का बताओ कितना है, भारत का जनघनत्व 382 होगा।
और भाई इसमें जो आपका है बिहार का सर्वाधिक है। अब इसमें राज्यों में किसका हो जाएगा, राज्यों में बिहार 1106, और सबसे कम किसका है, अरुणाचल में केवल 17। अब ये पूछ रहा है 100 से कम घनत्व वाले इसमें कौन सा है। तो भाई केंद्र शासित में जो सर्वाधिक है सबसे कम है, तो यूटी में जो सर्वाधिक है वो है आपका दिल्ली का, करीब 11,000। तो एक बार चेक कर लेना इसको। और सबसे कम है अंडमान का, केवल 46। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाला है। भाई पहले तो भारत का राष्ट्रीय औसत पता होना चाहिए कि भारत की जो साक्षरता है वो कितने प्रतिशत है। तो भारत की साक्षरता है 73%, और सर्वाधिक जो साक्षर है, सर्वाधिक और सबसे कम, सर्वाधिक तो आपका केरल हो गया और सबसे कम आपका बिहार हो गया। ये डाटा इसके साथ के साथ इसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है केंद्र शासित राष्ट्रीय, अच्छा दोनों ही दे रखे हैं, मैं केंद्र शासित तो है ही नहीं। वो कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय औसत से कम साक्षर वाला है। राज्य भी केंद्र शासित है नहीं, तो राज्य दे रखे हैं। तो 73% से कम साक्षरता किस राज्य में है, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, गुजरात में या असम में। बताइए, कर्नाटक में 75% है, ठीक है, उत्तराखंड में 79% है, तो बचे गुजरात और असम। तो असम में भाई आपकी 72% है। इसमें मेरा आपसे एक सवाल है, भारत में जो जनगणना हुई थी, जनगणना में किस आयु वर्ग तक के बालक को मतदान साक्षर माना गया है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, ये साक्षरता है 73%, क्या 4 साल का बालक है उसको साक्षर माना गया है, 7 साल के को माना गया, 10 साल, डाटे में कौन सा किस एज तक का हमने भारत सरकार ने उसमें उसको साक्षर माना। समझ में आया क्वेश्चन नहीं आया, जैसे 5 साल का बालक है, पहली बात तो साक्षर माना किसे गया, ये सुन लीजिए, साक्षर माना गया है जो लिखना और पढ़ना जानता हो, या लिखने और पढ़ने में से एक चीज जानता हो, या तो दोनों जानता हो लिखना पढ़ना वो साक्षर है, या लिखना जानता हो या पढ़ना जानता हो उसको साक्षर मान लिया गया है। अब ये हमने जो डाटा लिया है भारत सरकार ने कि भारत की आबादी की 73% साक्षर है, तो किस आयु वर्ग तक के बालक को, ठीक है, किस आयु वर्ग तक के बालक को साक्षर माना गया उसका डाटा वो बताइए, एज बताओ। ऑप्शन दो क्या, ठीक बताइए, ठीक आंसर दिया है ईशान शंकर चतुर्वेदी, उम्मीद थी मुझे आंसर मिल जाएगा। शानदार ईशान, जबरदस्त आंसर है आपका, 7 वर्ष तक के बालक को, ठीक है, जिसकी आयु 7 वर्ष है,
उसको और उससे ऊपर की आयु वर्ग को ही साक्ष्य माना गया। 6 वर्ष का बालक है, चाहे वो हिंदी अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानता है, बोल रहा है, ठीक है, उसको साक्षरता में काउंट नहीं किया गया। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए पूछा मैंने आपसे। एक क्वेश्चन और इसमें आया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि कुल जनगणना 2011 में प्रति व्यक्ति से कितने सवाल पूछे गए, बताइए जल्दी से कितने सवाल पूछे गए इसमें, ठीक है, बताओ जल्दी से, निशान बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें भाई आंसर है हमारा असम। अगला क्वेश्चन, आंसर बता दीजिए इसमें कितने पूछे गए थे। वर्ष 2011 के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला संघ प्रदेश है, किस प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता है? तो महिला साक्षरता जो है, हाँ, तो क्या आंसर दिया है? वेरी गुड, वेरी गुड। 29 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रत्येक उससे व्यक्ति से 2000, उसमें ये सारे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, उसमें आते भी हैं। अब आप देख, अब डाटा आने वाला है, इसी साल में आ जाएगा डाटा, इसको खत्म करिएगा, ठीक है, और अगला डाटा पर फिर फोकस करिए। अगले डाटे में कम से कम आपको, कम से कम मेरा मानना यह है कि 150 से 200 क्वेश्चन जो केंद्र स्तर का डाटा, ज्यादा निकलेंगे 150-200 से, ठीक है, वो क्वेश्चन, और प्लस जिस राज्य से आप संबंधित हैं, आप केंद्र सरकार की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो केंद्रीय डाटा, और अगर आप राज्य सरकार की कोई परीक्षा दे रहे हैं स्टेट लेवल की, तो उसमें आप स्टेट लेवल का क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन आएगा, हम भी कराएंगे तैयार, आप भी खुद करना, तरीका हम बताते रहेंगे, और तरीका मतलब ढूंढने पड़ते हैं क्वेश्चन में, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, यहां से उठ सकता है, ठीक है। तो महिलाओं का सर्वाधिक जो साक्षरता है वो केरल में है, सबसे कम आपकी राज्य है बिहार, उसी। अब ये पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला कौन सा था, ठीक है। तो भाई इसमें सर्वाधिक जो थी वो आपकी लक्षद्वीप की थी, उसके बाद आपके अंडमान की, इसमें आपकी 87%, इसमें आपकी 82%। चंडीगढ़ भी दिल्ली से ज्यादा था, चंडीगढ़ में जो साक्षरता है वो 81.81 मान लेते हैं, और यहाँ पर 80% है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा, तो कर देंगे लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के अधिकार को बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, बिना देर किए हुए बता दीजिए। 1992 में किया गया और 1993 में ये लागू हो गया, 1993 में ये लागू हो गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक अधिकारों का बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, 1992। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, बताइए 3 मई 1969 को राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद किसने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था? अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और समझने वाला भी है। तो राष्ट्रपति कौन थे हमारे, ठीक है, समझ लेना, और राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति, और इनके नीचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको ये तो पता ही होगा कि एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्ला एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, तो कैसे बने, कभी आपने सोचा कैसे, कौन सा मौका आया होगा कि वो उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे अपने पद पर और राष्ट्रपति थे ही नहीं, तो ऐसा क्या मौका आया कि हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, बताइए, सोचा कभी आपने। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद किसने राष्ट्रपति का पदभार संभाला? आप सभी ने पढ़ रखा है कि भाई जब राष्ट्रपति की डेथ हो जाए या त्याग पत्र दे दें, तो पहली बार पद पर रहते हुए किस व्यक्ति की, किस राष्ट्रपति की डेथ हुई, तो चलो इसको ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उपराष्ट्रपति थे वी वी गिरी,
और नीचे थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है। अब होता क्या है, इनकी होगी डेथ, तो फिर क्या हुआ, वीवी गिरी ऊपर चले गए, ये बन गए कार्यवाहक राष्ट्रपति, गिरी बन गए कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब ये पद है खाली उपराष्ट्रपति का, ठीक है। अब परमानेंट राष्ट्रपति का चुनाव होना था, ठीक है, परमानेंट राष्ट्रपति का चुनाव होना 6 महीने के अंदर, तो वीवी गिरी ने कहा भाई मैं चुनाव जो है पद से त्याग पत्र देकर ही लड़ूंगा, तो उन्होंने अपने पद से दे दिया त्याग पत्र, तो वीवी गिरी ने इन्होंने दे दिया त्याग पत्र। तो फिर क्या हुआ, ये भी पद खाली, ये भी पद खाली, नीचे कौन थे, नीचे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये एकदम सीधे पहुंचे ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मान लो वो भी त्याग पत्र दे, फिर कौन बनेगा, फिर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो बनेगा। तो आंसर इसका क्या रहा आपका, मृत्यु के बाद किसे राष्ट्रपति का पदभार संभाला था, वो संभाला वीवी, ठीक है। रानी की बाव भारत के, रानी की बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है, ये क्या है, रानी की बाव क्या है, ठीक है। तो रानी उदयमती ने अपने पति, उदयमती ने अपने पति भीमदेव फर्स्ट सोलंकी की स्मृति में 1067 ईस्वी में सीढ़ीदार कुआं बनवाया, इसको कहते हैं भाई रानी की बाव, ये है सीढ़ीदार कुआं। होता कैसे, किसी ने देखा है सीढ़ीदार कुआं, दिल्ली में है ये चिड़ियाघर है, उसके सामने पुराना किला है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित जो है, तो उसमें किलाए कोना मस्जिद का जस्ट बराबर में सीढ़ीदार कुआं, तो उसके ऊपर वो डाल दिया गया जाल का लोहे का, उसमें जब हम दिल्ली घूमने गए कई बार जाते थे कॉलेज की तरफ से, तो वहां पर जो है अभी जैसे कुआ है ये, ठीक है, आप यहाँ से रस्सी डालेंगे खींच लेंगे, तो इसमें यहाँ से सीढ़ियां बना दी जाती हैं और ये दीवार नहीं होती उसमें, ठीक है, ये दीवार नहीं होती, ये दीवार नहीं होगी, ठीक है, क्या होगा ऐसे है, यहाँ से है, अब ये मुख्य धरातल है पृथ्वी का, ये तो यहाँ से सीढ़ियां हैं, उतर जाइए आप इसमें, ये है यहाँ पे पानी है, ये आप सीढ़ी से आ जाइए यहाँ पर, यहाँ से लेके तो बड़े एरिया पे जाल डाल दिया, खुला रहेगा ना सारा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, आप इसमें उतर जाए नीचे की तरफ, तो ये सीढ़ीदार कुएं होते हैं, ठीक है, गुजरात में है ये, गुजरात में है ये, तो सीढ़ीदार कुआ है। तो आज का जो सेशन है वो भाई यहीं तक रहने वाला है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल अपना टाइम से जुड़ जाइए, और कल मैं आपसे फिर मिलता हूँ, नए क्वेश्चन है इसके आ गए, ठीक है, उनके साथ अगला कल का क्वेश्चन जो होगा यहाँ से शुरू होगा, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री काल में 1-7-2 उप प्रधानमंत्री हुए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो कई बार मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं रहते हैं, लखनऊ में भी, यहाँ पुराने शहरों में करीब करीब सभी में ये सीढ़ीदार कुएं हैं, और ये बड़े लोग जो थे वो भोसी जी के कहाँ बनवाते थे इनको, जहां पर यात्रियों का ज्यादा आवागमन होता था वहां पर, और ऐसी जगह बनवाते थे जहां पर जो है धार्मिक अनुष्ठान हो वहां पर भी होगा, कुछ अपना जन सेवा में भी इसको बनवा दिया करते थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल आप मेरे साथ समय से जुड़ जाइए, कल मेरी तबीयत खराब थी, मैं इसलिए क्लास आपकी नहीं ले पाया, आज भी इतनी सही नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि क्लास ले सकता हूँ, लेकिन है क्या, क्लासें ज्यादा हो जाती हैं तो इसलिए थकावट भी हो जाती है, और मौसम चेंज होने की वजह से दिक्कत भी हो रही है, कुल मिलाकर ये है। तो आप सभी कल फिर मुझसे मिलिए, आप सभी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, नमस्कार, जय हिंद।